Assalamualaikum, class 3, subject SST, page number 5, unit number 1, the topic name is the lecture, the culture of Pakistan. Student, कल मैंने आपको culture के बारे में बताया था कि culture का मतलब क्या है, यानी कि हर पाकिस्तान के हर प्रोवेंस के अपने डिफरेंट टाइप के कल्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके फूड, उसका डांस के बारे में, डांस के बारे में मैंने आपको बताया था, इस तरह उसके ड्रेसेस के बारे में, जो मशहूर फेमस एरियाज के बारे में सारा कुछ हुआ था। तो आज उसके बारे में अगर तो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ कि अगर आप लोगों से कोई पूछे या आपने यही क्वेश्चन खुद ही आप लोगों ने याद करने हैं, तो ये तो आपको बोर्ड पे जो नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको दो क्वेश्चन करवा दिए, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन कि आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि विच वन द बेस्ट फूड, द फेमस फूड ऑफ पंजाब, तो वो आपके बुक में है कि द पंजाब इज द फेमस फूड ऑफ पाए, फिर है तो विच वन फूड ऑफ द फेमस फूड ऑफ द सिंधी, तो आपने सिंध, तो आपने क्या करना है, उसके फेमस फूड का जो नाम है यहाँ पे जो आपके बुक में है वो सिंधी बिरयानी है। इस तरह बलूचिस्तान के बारे में जो मशहूर फूड है वो सज्जी है। इस तरह कैपिके का यानी खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो चपल कबाब है। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि उसके हर इलाके के अपने अपने डांस होते हैं, तो अगर ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि पंजाब का डांस उसका नाम क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं भंगड़ा। पे सिंध का जो है उसको क्या कहते हैं, उसको दमाल। फिर हाँ, बलूचिस्तान के डांस को जो फेमस डांस है उसको क्या है, उसको बोलते हैं लेवा। फिर कैपिके का जो मशहूर डांस है वो है खटक डांस, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग अपने माइंड में रखें, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस ड्रेस के बारे में भी है कि उनका ड्रेस कैसा होना चाहिए, वो भी आपको पता है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, ये भी हो सकता है कि व्हाट इज कल्चर, कल्चर क्या है, सकाफत क्या है। कल्चर इज द बिलाइंग ट्रेडिशन, वे ऑफ थिंकिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रेस, फूड एंड लैंग्वेज ऑफ आ कंट्री। व्हाट इज कल्चर, कल्चर इज द बिलाइंग ट्रेडिशन, वे ऑफ थिंकिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रेस, फूड एंड लैंग्वेज ऑफ आ कंट्री। कल्चर इज द बिलाइव ट्रेडिशन, वे ऑफ थिंकिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रेस, फूड एंड लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री। फिर हेड राइट द फोर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज माय नेम, कंट्री नेम इज कादियाजम, सॉरी कंट्री नेम इज पाकिस्तान, और इसके फाउंडर का नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, कादी आज़म मोहम्मद अली जना। इसके पोएट्री मतलब जो शायरी थे वो कौन थे, वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल। फिर उसके बारे में हम कहें आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आपको मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पे है राइट द फोर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। आपको तो मेरे स्टूडेंट ये आपको बोलने में तो सही आता है, लेकिन आप लोग जो मिस्टेक करते हो वो क्या है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस स्पेलिंग्स को अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से आप लोग याद कर लो, ताकि आपको बाद में पेपर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। कभी टीचर आपसे पूछ सकते पंजाब, पंजाब तो आपको आता है, लेकिन थोड़े बहुत आप लोग मिस्टेक कर लेते हो, तो वही है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक की आप लोग याद करती जाए, प्रैक्टिस करती जाए, ठीक है क्लास। फिर उसके बाद है इसमें से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको आज पढ़ा दिया है, व्हाट इज कल्चर,
तो ये आप लोग कार्ड नहीं अपने माइंड में रख ले और क्लियर क्लियर भी आपको हो गया है कि क्लियर कि कल्चर का मतलब क्या है। ठीक है, तो आज तो ये है आज आपका लेक्चर। कल इसका हमने नेक्स्ट लेक्चर में बलूचिस्तान कल्चर मरी बलोच कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग डिफिनीशन इसकी होगी, तो फिर आपको इसको बहुत क्लियर कट समझ आ जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक क्लास टू, योर लव।